हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, ये हमारे पास रियलमी का लेटेस्ट बजट किलर स्मार्टफोन रियलमी C21Y। एंड आज के स्टूडियो में करेंगे यहाँ पर इसके अनबॉक्सिंग एंड मेरे फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंडियन यूनिट रियलमी C21 का बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है C21Y स्मार्टफोन की, रियलमी की ब्रांडिंग दी गई है। एंड यहाँ पर ऊपर नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड लिखा हुआ है। हर एक ब्रांड नंबर वन लिखते हैं, तो भाई नंबर टू कौन सा है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन करे गए। एंड हमारे पास ब्लैक कलर में 464 वाला वेरियंट है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिलती है, अ ग्रेट स्टोरी सिंस फर्स्ट स्लीप, और रियलमी की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिल रही है। इसे फिलहाल के लिए रख देते हैं साइड में। केस है क्या? ओके, आई बिलीव नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको जो है पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। केस मेरे हिसाब से होना चाहिए था। और सिम इंजेक्टर पिन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो इसे फिलहाल के लिए रख देते हैं साइड में। और देख लेते हैं क्या कुछ हमें बॉक्स में मिलता है। ओके, सो ये हमारा डिवाइस है। तो डिवाइस काफ़ी हैवी लग रहा है यार, मतलब आगे बात करते हैं, इसे भी रख देते हैं साइड में। अंदर की तरफ अगर आप लेट हलाते हो तो देखते हो तो यहाँ पर आपको जो है चार्जर, काफ़ी बड़ा सा चार्जर है। एंड चार्जर की रेटिंग आउटपुट की अगर हम बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर है, मतलब 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर है। एंड मतलब काफ़ी बड़ा है बेसिकली, यहाँ पर हाथ में मैं ले रहा हूँ तो देख सकते हो आप। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सैडली यहाँ पर आपको माइक्रो यूएसबी का यहाँ पर केबल देखने को मिलता है, टाइप सी नहीं है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है रियलमी C21Y के इंडियन यूनिट में। ये हमारा मेन डिवाइस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इसे निकाल देते हैं रैपर में से एंड देखते हैं एग्जैक्टली में कैसा लगता है। ओके, ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया सी पैटर्न दिख रहा है। इसे भी निकाल देते हैं हम सबसे पहले, ये भी काफ़ी टाइट लगा हुआ है। ओके, तो इसे भी निकाल देते हैं। कुछ इस तरीके का आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है रियलमी C21Y स्मार्टफोन का, दिखने में ज़बरदस्त है। अलग सा यहाँ पर आपको एक टेक्सचर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप बोल सकते हो अलग टेक्सचर है, यहाँ पर अलग है। एंड काफ़ी बढ़िया है, रियलमी की ब्रांडिंग आप देख सकते हो मतलब। एंड डिवाइस की अगर हम बात करें तो मतलब थोड़ा आप बोल सकते हो लाइट वेट नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा आपको हल्का सी हैवी देखने को मिल रहा है। अराउंड मेरे हिसाब से 200 ग्राम का यहाँ पर ये डिवाइस होना चाहिए मेरे वेट के मतलब इसके देखते हुए। एज वेल एज़ यहाँ पर फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यस, आपको स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। केस तो आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ये डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रियलमी की ब्रांडिंग है, स्पीकर देखने को मिलता है एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और आपका ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप है, फ्लैश देखने को मिल जाता है। फ्रंट में यहाँ पर आपको 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। स्क्रीन गार्ड जैसे कि मैंने बताया आपको प्री अप्लाइड है। साथ ही में अगर हम राइट साइड में देखें तो वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है। चलिए जल्दी से यहां पर इसे ओपन करके देखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लेते हैं। ओके, तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि हर एक बजट फोन में मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए। साथ ही में ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट एंड माइक वगैरह देखने को मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइप सी यहाँ पर होना चाहिए था। तो चलिए गाइस, जल्दी से मैं डिवाइस को बूट अप कर लेता हूँ, कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जब तक कि आप यहाँ पर ये डिवाइस के स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। तो गाइस, फाइनली यहाँ पर ये डिवाइस को मैंने कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करा, वो अपने फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील के बारे में। तो डेफिनेटली टेक्सचर आपको जरूर देखने को मिलता है, लेकिन जो बैक है वो आपको पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक का देखने को मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी स्टर्डी है। दबा के कहीं से भी अगर आप देखते हो तो कोई भी आपको क्रिकिंग नॉइज और ये आवाज़ वगैरह नहीं आती है, बिल्कुल सॉलिड यहाँ पर आप बोल सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। स्पेशली ये पैटर्न मुझे पर्सनली यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगा। एज वेल एज इन हैंड फील की बात करें तो वन हैंड वाला तो इस्तेमाल वाला डिवाइस नहीं है, काफी मतलब आप बोल सकते हो थोड़ा बड़ा जैसा देखने को मिलता है। एंड वेट की अगर हम बात करें तो 200 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा आप बोल सकते हो हैवी स्मार्टफोन है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, मतलब डिसेंट वेट आप इसे कह सकते हो, क्योंकि बैटरी भी यहां पर आपको बड़ी देखने को मिलती है। तो बिल्ड क्वालिटी इन हैंड फील बजट के हिसाब से मुझे पर्सनली यहां पर काफी बढ़िया लगा है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहां पर इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पर आपको 6.52 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। वाटर ड्रॉप नॉच आप देख सकते हो काफी
काफी छोटा है एंड साइड के बेजल्स भी अगर आप देखोगे काफी कम देखने को मिलते हैं। चिन आप देख सकते हो थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो ब्लोटवेयर्स के बारे में, तो यस ब्लोटवेयर्स आपको यहाँ पर काफी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि स्नैपचैट फॉर एन एग्जाम्पल हमें अनइंस्टॉल करना है तो हम डेफिनेटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ब्लोटवेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एंड यूआई आपको रियलमी यूआई देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इसके सेटिंग्स में जाके, तो सेटिंग्स में आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम जाते हैं यहाँ पर स्टोरेज में, मतलब 64GB वाला वेरियंट अगर आप लेते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 22-23GB आप 23% जो है इस्तेमाल हो चुका है, तो ऑलमोस्ट आपको 50GB के आसपास जो है फ्री स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो डिस्प्ले में सेटिंग्स में अगर आप देखोगे तो डार्क थीम है, मतलब डार्क मोड यहां पर आपको देखने को मिलता है तो वो आप यहां पर रख सकते हो। आई कंफर्ट मोड देखने को मिल जाता है। कलर एंड कंट्रास्ट आप यहां पर सैचुरेशन लेवल वगैरह चेंज कर सकते हो, एज वेल एज वॉलपेपर का ऑप्शन है। स्क्रीन टाइम आउट यहां पर से आप बढ़ा सकते हो, 30 मिनट तक के मैक्स यहां पर आप रख सकते हो एंड आपको बाकी के जो है डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहां पर अबाउट फोन में, हम जाके देख लेते हैं तो सारे स्पेसिफिकेशन एंड सारी चीजें आप देख सकते हो। रियलमी C21 Y है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स है, Realme UI वर्जन R वर्जन यहाँ पर लिखा हुआ है पता नहीं क्यों, एंड यहाँ पर प्रोसेसर की अगर हम बात करें ऑक्टा कोर है। वैसे आपको बता दूं यहाँ पर आपको Unisoc T610 वाला चिपसेट देखने को मिलता है जो कि हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ पर Micromax के N2B स्मार्टफोन में। काफी तगड़ा चिपसेट है, आई होप सो कि यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आपको तगड़ी देखने को मिलेगी एंड 64GB वाला वेरियंट आप यहाँ पर से देख सकते हो। चलिए अब जल्दी से मैं यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक की स्पीड बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना सेट करो, आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, टैप अनलॉक, आप देख सकते हो टैप अनलॉक, टैप अनलॉक, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे यहाँ पर काफ़ी फास्ट लगा। अब फेस अनलॉक देख लेते हैं, यहाँ पर आप मैंने देख सकते हो नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर देखूंगा तो अनलॉक, टैप अनलॉक, टैप अनलॉक। तो फेस अनलॉक मैं बोलूंगा हल्का सी मिली सेकेंड्स का यहाँ पर आप बोल सकते हो थोड़ा रुकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे पर्सनली इसका काफ़ी फास्ट लगा। चलिए अब यूट्यूब पे देख लेते हैं भाई साहब यहाँ पर वीडियो वगैरह कैसी चलती है, तो आप देख सकते हो आपको कैसा विंग एक्सपीरियंस वगैरह देखने को मिलेगा, विंग एंगल वगैरह तो आप देख सकते हो। पिंच इन पिंच आउट का आपको फीचर मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले की क्वालिटी देखने को मिलती है रियलमी C21 Y स्मार्टफोन में। तो डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो HD डिस्प्ले ज़रूर है, बजट के हिसाब से HD डिस्प्ले आपको मिलता है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, सेचुरेशन लेवल काफ़ी आपको वाइब्रेंट डिस्प्ले, कलरफुल डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं स्पीकर यहाँ पर आपको कैसा मिलता है। तो देख सकते हैं फुल साउंड है, स्पीकर आपको बैक में देखने को मिलता है यहाँ पर, तो गाइस स्पीकर क्वालिटी की मैं बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, डिसेंट इनफ है, लाउड इनफ है, हाँ बेस हल्का सी कम आप बोल सकते हो, लेकिन बजट में वैसे स्पीकर मिलते हैं। तो स्पीकर की क्वालिटी मैं बोलूँगा डिसेंट इनफ है, लाउड है, डेफिनेटली रिंगटोन वगैरह एंड यूट्यूब पर आप अच्छी खासी यहाँ पर साउंड आप इंजॉय कर पाओगे। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मैंने इनिशियल इंप्रेशन है, बाकी पबजी टेस्ट आपको देखना है या इसके अलावा और परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ देखना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, हम टेस्ट आउट करेंगे। वैसे नॉर्मल यूजेज पर जितना भी मैंने इस्तेमाल करो मतलब बिल्कुल भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके कैमरे के बारे में, तो कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हो बैक में, यहाँ पर आपको जो है ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलता है 13+2+2 मेगापिक्सल का एंड फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। UI अगर आप देखोगे तो टिपिकल Realme UI जैसा यहां पर आपको देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हो बैक कैमरे में वीडियो मोड है, कैप्चर मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड मोर में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहां पर इतने कुछ यहां पर आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो देख लेते हैं बैक कैमरे से कितने रेजोल्यूशन पर हम शूट कर पाएंगे, तो सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हो यहां पर अगर हम वीडियो साइज में जाए तो 1080p मतलब 30fps तक के आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो आप यहां पर से देख सकते हो सेल्फी कैमरे से
हम जो है 720p 30fps तक के मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर पाएंगे। एंड सेल्फी में भी आपको कैप्चर, पोर्ट्रेट एंड मोर वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो गाइज मैंने कुछ इनिशियल इंप्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ पिक्चर सैंपल्स लिया था जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है। आप देख सकते हो इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से डे लाइट शॉट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। डिटेलिंग अगर आप देखोगे बजट के हिसाब से जो आते वैसे ही है। एंड सेचुरेशन लेवल आपको थोड़ा सी हाई देखने को मिलता है। लो लाइट की अगर हम बात करें इंडोर शॉट की तो वो ठीक ठाक है, जैसे कि हर एक बजट फोन में आता है वैसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो सेल्फी कैमरा मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, बहुत बेकार भी नहीं है। 5 मेगापिक्सल के हिसाब से डिसेंट इनफ आप इसे कह सकते हो। तो गाइस ये थे मेरे अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर Realme C21 Y स्मार्टफोन को लेके। वैसे इसके अलावा आपको कोई कंपैरिजन रिव्यू या कुछ पबजी टेस्ट, बगमी टेस्ट जो भी है, इसके अलावा जो भी आपको वीडियोस देखना यहाँ पर ये स्मार्टफोन के रिगार्डिंग, डेफिनेटली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये स्मार्टफोन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कर देना, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि हम सबको ये पसंद आई होगी। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।